सैडनेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हम उस चीज को डिप्रेशन के शब्द से एक्सप्रेस करते हैं। कई बार हम लोगों को ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, या फिर तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखते हो। तो जो डिप्रेस जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि आपका मूड बहुत ही कम हो चुका है, लो हो चुका है। पर जो डिप्रेशन जो होता है वो एक डायग्नोसिस है, एक क्लिनिकल टर्म है। और डिप्रेशन जो होता है वो एक मूड डिसऑर्डर का फॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिप्रेशन आपको मिल जाएंगे। डिप्रेशन के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो उसमें एक सबसे कॉमन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको MDD भी कहा जाता है। उसको इस वीडियो में मैं इसी एक्रोनिम से ही बुलाऊंगी, MDD। तो कुछ समय पहले तक एक बीमारी थी जिसको कहा जाता था एटिपिकल डिप्रेशन, जो कि आज के समय पे एक्चुअली देखा जाए तो ये नाम का जो डिसऑर्डर था वो अब नहीं है, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि MDD विद एटिपिकल फीचर्स। तो ये एटिपिकल होता क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज का ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कम्युनिटी के ही किसी ने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं हाजिर हूँ इस टॉपिक के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि MDD विद एटिपिकल फीचर होता क्या है, जिसको पहले एटिपिकल डिप्रेशन कहा जाता था। और अगर आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं या मूड डिसऑर्डर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और उससे पहले, अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। तो जिन लोगों को MDD विद एटिपिकल फीचर्स होता है, उन लोगों में आप ये देख सकते हैं कि उनको वो जो क्लासिक MDD के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, वो आपको उनमें दिखेगा ही। पर उसके साथ में ये भी दिखता है कि कुछ समय के लिए अगर कोई पॉजिटिव इवेंट हुआ हो उनके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज हो जो उनको खुशी दे रही है, तो उस समय के लिए उनमें वो पॉजिटिव चेंजेस भी दिख सकते हैं। मतलब कि वो जो पॉजिटिव इवेंट है या जो भी सर्कमस्टांस है, उसकी वजह से उनका मूड भी चेंज हो सकता है। तो चलिए वो सिम्टम्स जानते हैं। तो उससे पहले हम MDD के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक और बार जान लेते हैं। तो उसमें हो सकता है कि उनको लगातार उदासी महसूस होते रहे, होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस की फीलिंग रहती है। ये भी हो सकता है कि उनको एंजाइटी फील होती है, मतलब कि उनको घबराहट होता है या इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी उनमें आपको दिखेगी। ये भी होता है कि बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं। उसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं पहले से, या बहुत ही कम खाने लगे हैं, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, या वजन पहले से बहुत कम होने लगा है। जो चीजें उनको पहले करना अच्छा लगता था, जो एक्टिविटीज करना अच्छा लगता था, उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं आता है, उस चीज को नहीं करते हैं। या फिर वो पहले कॉन्सेंट्रेट अगर चीजों में कर पाते थे, लंबे समय के लिए किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे, एक जगह पे बैठ पाते थे, या फिर अगर रीडिंग करने बैठे तो फिर वो कर पाते थे, पर अभी नहीं कर पाते हैं। कोई डिसीजन अगर लेना है तो शायद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लो एनर्जी फील हो सकती है, थकान महसूस हो सकता है बार बार। और उसी में ये भी हो सकता है कि उनको शायद अपने आप को किसी तरह से चोट पहुंचाने के विचार आ रहे हों, मतलब कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों उनको। पर इसी के साथ में जो अटिपिकल फीचर्स आपको उनमें दिख सकता है, वो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी गुड न्यूज उनको मिली हो तो उसके साथ में उनके कुछ चेंजेस भी आपको दिखे, जैसे कि हो सकता है सिग्निफिकेंट वेट गेन आपको अचानक से दिखे, मतलब बहुत ही अचानक से वो उन्होंने वेट गेन कर लिया हो, उनका एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा खा रहे हैं अभी। और हो सकता है कि उनको बॉडी एक हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, पहले से बहुत ही ज्यादा सोने लगे हैं, हो सकता है दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं। और इनके साथ ये भी देख सकता है कि अगर उनको कोई चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाए या रिजेक्शन मिले, तो हो सकता है कि उस चीज को वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील ले रहे हैं, उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो अब जानते हैं ये जो अटिपिकल डिप्रेशन होता है वो किस वजह से हो सकता है। तो हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपने एक्सपीरियंस किया हो पहले या बचपन में, या कोई सडन चेंजेस भी हो सकते हैं लाइफ में। हो सकता है किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, या फिर शायद डिवोर्स हुआ है, या कुछ वैसा ही। ये भी हो सकता है कि आपके अल्कोहल के या ड्रग्स लेने की कोई हिस्ट्री हो जिसकी वजह से ये हो, या कोई और तरह का फिजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस हो सकता है जिसकी वजह से
ये बीमारी हुई हो या फिर आपके परिवार में किसी और को ये बीमारी शायद रह चुकी हो जिसकी वजह से आपको भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो सेम जो एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट रहता है वही इसका भी रहता है। इसके लिए भी आपको मेडिकेशन मिल सकता है या फिर आप थेरेपी भी ले सकते हैं या फिर दोनों की भी जरूरत हो सकती है, और दोनों लेंगे तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये था अटिपिकल डिप्रेशन, जिसको अभी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद अटिपिकल फीचर कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में भी इस तरह से कोई टॉपिक है जिसके बारे में शायद मैंने अब तक बात नहीं की है और आपको लगता है मुझे करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं वो टॉपिक को। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। Bye-bye.